हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी क्लास है वो इलेक्ट्रिक मोटर। तो फर्स्ट तो ये कि इलेक्ट्रिक मोटर रियल में क्या है, कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होनी है और उसके रिजल्ट में अपने वो क्या है, वर्क डन होना है। उसके रिजल्ट में क्या होना है, वर्क डन। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, अपन क्या कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस, कि ये रोटेट होगी और रोटेट के लिए नेसेसरी एनर्जी कौन अप्लाई कर रहा है, आपकी करंट। तो अपन कहेंगे द इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, कि आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में करती है, आपकी आपको मैकेनिकल एनर्जी। अब लाइक एग्जांपल अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कहाँ कहाँ मोटर यूज होती है। तो आप कह सकते हो एग्जांपल के रूप में फैन आप अपने घर पे यूज करते हो, तो फैंस है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। आपकी रेफ्रिजरेटर में होती है, मिक्सी में होती है, तो मिक्सर में भी अपन कह सकते हैं, मिक्सर जूसर के अंदर भी ये चीज प्रेजेंट होती है, वॉशिंग मशीन में भी होती है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इन सब के अंदर कौन है, इलेक्ट्रिक मोटर। और आप भी जानते हो भाई फैन का वर्क क्या है, भाई फैन एक रोटेटिंग, ये रोटेट होता है, रोटेट से अपने को क्या मिलती है भाई, ठीक है, हवा मिल रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, रोटेटिंग डिवाइस हुई ना। मिक्सर के अंदर भी क्या होता है, रोटेट होता है, वॉशिंग मशीन में भी रोटेट होता है, और आप ऐसे मतलब कई थाउजेंड्स टाइप के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसके अंदर रोटेटिंग डिवाइस के रूप में इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, रोटेटिंग डिवाइस है जो क्या करेगी, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन का सेंस हो गया कि वहां पर वर्किंग कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब अपन देखेंगे वह इलेक्ट्रिक मोटर रियल में डिजाइन कैसी होती है, इसकी है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, आप डायग्राम को देखिए कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में जैसे आपको एक ABCD आपको क्या दिखाया गया है, ABCD। ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप की है, और इसको एक इसको अपन रेक्टेंगुलर कॉइल कह सकते हैं, एक लूप कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर जो ABCD, ठीक है। N और S क्या है, एक हेवीली मैग्नेटिक फील्ड है। N S का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। N मतलब नॉर्थ पोल हो गया, S का अर्थ हो गया साउथ पोल। एक हेवीली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसके अंदर ABCD एक रेक्टेंगुलर टाइप की कॉइल है या लूप है, ठीक है, ये चीज हुई। फिर आप देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं पर एक्स और वाई, ये जो लूप यहां पे कनेक्ट किससे हो रहा है, एक्स और वाई। एक्स और वाई को अपन क्या बोलते हैं, ब्रूस। ये क्या करते हैं, ये जो ब्रूस है ये आपके सर्किट से कनेक्ट रहते हैं, मतलब ब्रूस वो पॉइंट है आपकी मोटर के जहां से करंट इनपुट होनी है। जहां पर क्या है, देखो यहां से भाई करंट इनपुट होगी इस लूप में, तो कहां से होगी, यहीं से होगी ना, एक्स से, भाई इस लूप में ऐसे करंट फ्लो होगी तो इस टाइप से होगी, ठीक है। तो ये X और Y क्या है, आपके ब्रूस हैं। और P एंड Q यहाँ पर मैं आपको स्प्लिट रिंग बताइए, मतलब ये रोटेशन के काम में, जब रोटेट होती है तो नॉर्मल सी बात है कि ये इसके साथ इस टाइप से टच होती है कि ये यहाँ से ऐसे रोटेट होती रहेगी, और ये आपकी स्प्लिट रिंग है, ये इसके यूज में आती है। तो ये इसकी बेसिक जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर एक हेवीली मैग्नेटिक फील्ड होना, और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या प्रेजेंट है, आपका मैग्नेटिक फील्ड में कौन है, आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ठीक है। तो ABCD क्या हो गई, आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। अब देखो इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो रियल में क्या है कि ये आपकी कॉइल रोटेट करती है, कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेट से अपन इसको यहां से इसके साथ एक अपन नीचे जिस चीज को भी डिवाइस को आप रोटेट करना है तो वो आपको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो भी डिवाइस इसके साथ साथ रोटेट होती है, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बात करें कि भाई कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम बात करें तो अपन कहेंगे एज सोन इन अबोव फिगर, कि आपने एज सोन इन अबोव फिगर की फिगर में अपन ने क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिगर क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। ABCD कौन है आपकी, ABCD, अपन एक एक चीज को अपने एक्सप्लेन करते जाएंगे। ABCD है वो रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं ABCD है वो है रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, ठीक।
अब सेकेंडरी रेक्टेंगुलर ये किसके बीच में, बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो एन एंड एस ये किसके बीच में है, ये है मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। देखो मैग्नेटिक फील्ड के पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। सेंस क्या हो गया, एनएस है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, एनएस है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पोल है, ठीक है। अब देखो अपन आगे बात करें, इसके सेकेंडरी आगे बात करें तो आगे कौन है आपके, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई कौन है आपके, अपन बात करें एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई है वो ब्रूस है, कौन है ब्रूस, तो अपन कहें एक्स एंड वाई ब्रूसेज, एक्स एंड वाई कौन है ब्रूसेज। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू को क्या अपन क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स है, पी एंड क्यू क्या है, स्प्लिट रिंग्स, तो पी एंड क्यू है वो स्प्लिट रिंग्स है। तो ये चीज आपको क्या होगा, जब आपको इलेक्ट्रिकल मोटर अगर आपके आती है भाई एग्जाम में, तो आपको आप डायग्राम और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको देना है, ठीक है। तो अपन सबकी बात कर लिए कि स्प्लिट रिंग है। अब देखो इनकी क्या होती है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं पी एंड क्यू, इनके जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट मतलब ये वाला, देखो ये इनर पार्ट आपका इनर पार्ट है, वो क्या करेगा, किससे कन्वे है कि ये अटैच्ड रहता है, ठीक है, किससे, एक एक्सेल से, ये जो आपका एक्सेल है इस एक्सेल से क्या है, इनका इनर पार्ट है वो क्या अटैच रहता है, पहली बात। तो आप भी जानते हैं कि जब ये रेक्टेंगुलर लूप रोटेट करेगा तो इसके साथ ही अटैच है, तो ये आपका एक्सेल भी क्या कर लेगा, रोटेट करेगा, फर्स्ट बात, ठीक है। सेकेंडरी कि जो आपके ब्रूस हैं एक्स एंड वाई, ये ब्रूस का यूज क्या होता है, ये आपकी क्या है कंडक्टिंग ब्रांच है, स्टेशनरी ब्रांचेज है, एक्स एंड वाई क्या है कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रांच, मतलब एक्स और वाई है वो आपको भाई मतलब इनकी पोजीशन चेंज नहीं होना, आपको यहां पर बात बता रहा हूं, स्टेशनरी ब्रांचेज, स्टेशनरी ब्रांच है कि एक्स और वाई है इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर ये आगे भी बताऊंगा मैं ये वर्किंग करेंगे ये रोटेट कैसे होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक्स और वाई है इनको अपन क्या कहेंगे कार्बन ब्रूस है, और ये कार्बन ब्रूस को क्या बोलते हैं स्टेशनरी ब्रूसेज है एक्स एंड वाई, और पी और क्यू है ये स्प्लिट रिंग है, और इनका इंटरनल जो इनर पार्ट है जो अंदर वाला है, देखो बाहर वाला तो पोर्शन यहाँ पर एक्स और वाई से कनेक्ट हो रहा है अपने, ये यहाँ पर इनसे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो ये इनर वाला पार्ट है ये किससे कनेक्टेड रहता है एक एक्सल से, तो ये आपका क्या हो गया आपका, इसको अपन कह सकते हैं एक्सल, ठीक है, ये आपका है एक्सल, ठीक। तो ये इसकी डिजाइन होती है इलेक्ट्रिक मोटर की, आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है कि एनएस एक मैग्नेटिक फील्ड है, एबीसीडी रेक्टेंगुलर कोयल है, और यहाँ से बैटरी से इसमें ब्रूस के जो कनेक्टर हैं, ब्रूस क्या है कनेक्ट का काम कर रहे हैं, इनके थ्रू इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, और यहाँ पर पी और क्यू क्या है स्प्लिट रिंग्स है, जिनका इंटरनल जो इनर पोर्शन है वो तो आपके एक्सल से कनेक्टेड है, और आउटर किन से आपसे ब्रूस से। तो ये आपकी चीज क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की डिजाइन, ये क्या हुई इलेक्ट्रिक मोटर की डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन में अपन ने सबको बता दिया एबीसीडी ये सब कौन है, ठीक है। अब अपन इसकी वर्किंग की बात करें कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग कैसे करेगी। अब देखो वर्किंग का सिस्टम क्या होता है कि जैसे अभी आपने भाई लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसमें है मैग्नेटिक फील्ड में है, तो नॉर्मली है अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, और फोर्स की डायरेक्शन हमने किससे कैलकुलेट की थी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, एफबीआई आपको रिमेम्बर होगा कि अपने कि फर्स्ट फिंगर थंब और मिडिल फिंगर तीनों को यूज किया था, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, और अपने जान रहे थे कि आपकी फर्स्ट फिंगर है वो किस में डायरेक्शन में से मैग्नेटिक फील्ड में, और आई मिडिल फिंगर किस में करंट में, तो एफ आपका थंब था वो किसकी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा था फोर्स को। सेम वही चीज है यहां पर, देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है एनएस, एबीसीडी में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एबीसीडी जो आपका रेक्टेंगुलर कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो नॉर्मल सी बात है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा।
अब फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें फोर्स में क्या आपके फोर ये ब्रांच है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके थोड़ा सा लेवल से, जैसे मान आपके ये इस टाइप से ये आपके रेक्टेंगुलर लूप थी, ठीक है। अब इस पे फोर्स अप्लाई हुआ, चाहे एक तो ये हो गया ए बी सी डी, तो ए बी पर फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी बी सी पर फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, आप फ्लेमिंग से कैलकुलेट करेंगे, और आपके ए डी पर डायरेक्शन इस टाइप में आएगी, तो इधर भी एफ हो गया और ये भी एफ हो। अब ये तो चीज क्लियर है कि बी सी और ए डी ये दोनों आपके आर्म है तो इक्वल होंगी भाई, ये दोनों आर्म क्या होंगी, इक्वल होंगी। रीजन क्योंकि आप भी जानते हो ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। ऐसे ही ए बी और सी डी आर्म क्या होंगी, इक्वल। तो इस पे भी क्या फोर्स होगा, एक पर फोर्स है वो तो मान लो कि अब यहाँ पे थ्री डी डायग्राम दिखा नहीं सकते, एक पर फोर्स इस टाइप से अप्लाई हो जाएगा, सेकेंडरी फोर्स इस टाइप से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब रीजन क्या होती है, जो आपकी बी सी और ए डी आर्म है इन पे जो फोर्स अप्लाई है वो क्या है कि वैल्यू में तो इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और एक ही एक्सेज पे होंगे ये, एक ही पॉइंट पर, एक ही एक्सेज पे दोनों फोर्स अप्लाई है, इस कारण एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आपके ए बी और सी डी जो आर्म है इन पे जो फोर्स अप्लाई होंगे ये भी वैल्यू में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, लेकिन ये सेम एक्सेज पे नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम एक्सेज पे नहीं है। सेम एक्सेज पे नहीं होने के कारण इनकी पोजीशन इस टाइप से बन गई, जैसे मान लो ये अपने ये मान लें कि इसके ऊपर एक फोर्स तो यहां पर ऐसे अप्लाई हो रहा ऊपर की साइड में, एक फोर्स इस साइड में अप्लाई हो रहा है। अब दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम है, लेकिन दोनों सेम एक्स में थोड़ी है, इसका एक्स तो भाई इसमें से पार हो रहा है और इसका एक्स इसमें से पार हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये फोर्स इसमें एक रोटेशन जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेशन, और ये आपका पेन ऐसे रोटेट होने लगेगा। सेम वही चीज होती है कि जो आपकी ए बी और सी डी आर्म है इन पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो डायरेक्शन में अपोजिट, वैल्यू में सेम, बट ये क्या क्रिएट ए रोटेशन, ये क्या करेगा, रोटेशन क्रिएट करेगा। रीजन कि फोर्स की दोनों फोर्स सेम एक्सेज पे अप्लाई नहीं है। अगर सेम एक्सेज पे हो, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पे एक फोर्स तो मान लो कि ये मान लो एक रोड हो गई, आप ये रोड ले लीजिए, इस पे एक फोर्स तो इधर एफ अप्लाई है, एक फोर्स इधर एफ अप्लाई है, तो बताओ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे, दोनों सेम अपोजिट है। लेकिन यही चीज ऐसे है कि एक इस पर, एक इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई है, एक इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई, एक इधर फोर्स है, अब दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो आप रिजल्टेंट फोर्स तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन आप भी जानते हैं इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें रोटेशन जनरेट जरूर होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होते भी ये एक रोटेट होने लगती है। ऐसे ही क्या होता है कि ये आपका ये दोनों फोर्स जो आर्म ए बी और सी डी पर जो फोर्स अप्लाई होंगे वो आपके इस रेक्टेंगुलर लूप में रोटेशन जनरेट करते हैं, और धीरे धीरे आपका रेक्टेंगुलर लूप क्या होता है, रोटेट होने लगता है। रोटेट होगा तो नीचे किससे कनेक्टेड है ये, किसके, स्प्लिट रिंग की के साथ किससे कनेक्टेड है, एक्सल, तो इसके साथ जो आपका एक्सल जुड़ा हुआ है, जो एक्सल इसके साथ कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग की थ्रू, तो वो भी क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। जब ये रोटेट होने लगता है तो आप इसके साथ, आप इस जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की इसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी से आप कोई भी यूज कर सकते हो, पंखा हो सकता है, मिक्सर हो सकता है आपकी, और नॉर्मल अपने वाटर वाली जो मोटर होती है उसमें भी ऐसा ही होता है, जो वाटर पंप सेट नहीं होते वाटर वाले उनके अंदर भी ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार इसकी वो वर्किंग होती है, रोटेशन होता है, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आपकी जो ए बी और सी डी है, ठीक है, तो ए बी और सी डी दो आपकी ये दोनों है। अब इसमें देखो करंट ए बी में मैं करंट की डायरेक्शन ये बता रहा हूँ, और सी डी में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अपन ने ऐसे बताया। तो ए बी में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर आप करंट इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो ए बी में अपनी फिंगर इसमें ले जाएंगे तो क्या होगा, डाउन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर क्या होगा ए बी वाले के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड्स, अपन कह सकते हैं डाउनवर्ड्स, ठीक है, और डाउनवर्ड्स। और आपके सी डी में करंट अपोजिट, तो सी डी में क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड्स, सी डी में क्या होगा, अपवर्ड्स, ठीक, ये चीज़ है। तो इसमें ए बी पर तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो के कारण जो होगा वो क्या, डाउनवर्ड्स, इस पर क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स, दोनों कंडीशनों में, और रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, सॉरी भाई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फोर्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी फोर्स की बात, कि ए बी पर जो फोर्स अप्लाई होगा, अपन कह सकते हैं फोर्स ऑन
ए बी क्या हो जाएगा डाउनवर्ड्स और सी डी अपवर्ड्स। तो आप डाउनवर्ड्स को अगर ऐसे दिखाना चाहो तो इसको ऐसे डाउनवर्ड्स दिखा दो और इसको अपवर्ड दिखाओ तो इसको ऐसे अपवर्ड दिखा दो। इस टाइप से इस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन वैल्यू में सेम लेकिन सेम एक्सेस पे अप्लाई नहीं है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि इसके अंदर एक रोटेशन जनरेट हो जाएगा, रोटेट होने लगेगा आपका रेक्टेंगुलर कॉइल और उससे अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट। अब ये तो अपनी मोटर की वर्किंग हुई और मोटर का एक्सप्लेनेशन हुआ कि मोटर की डिजाइन कैसे होती है। ठीक है भाई आप दोबारा समझ सकते हैं, मैं आपको बता दूं बहुत इजी है कि ये मोटर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो इस पर मैंने आपको कहा कि बी सी पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा, ए डी पर भी फोर्स अप्लाई होगा, ऐसे दोनों सेम एक्सेस पे होंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपके ए बी पर जो फोर्स अप्लाई होगा और आपके सी डी पर फोर्स अप्लाई होगा ये दोनों भी क्या होंगे, मान लो इसको एफ वन कह दूँ, इसको क्या कह दूँ एफ टू, अब होंगे एफ वन इज इक्वल टू क्या होंगे एफ टू, वैल्यू में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, सेम एक्सेस भी नहीं है, तो रिजल्टेंट क्या होता है ये रोटेशन क्रिएट करते हैं और आपकी रोटेट होने लगते हैं। लेकिन ये जो आपके F3 और F4 माने ये दोनों सेम एक्सेस पे हैं और दोनों की क्या वैल्यू भी सेम है, इसका ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक की मोटर जो क्या कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में। तो आप वर्किंग इसकी इजी समझ गए होंगे कि वर्किंग के रीजन कौन बन रहे हैं आपके कि ए बी आर्म्स पे जो फोर्स सप्लाई होगा और सी डी आर्म्स पे फोर्स सप्लाई होगा ये इसको रोटेट क्रिएट करेंगे। रोटेट कौन करेंगे ए बी आर्म्स का फोर्स और सी डी आर्म्स का, लेकिन बी सी और ए डी वाले आर्म्स वाले फोर्स है वो रोटेशन क्रिएट नहीं करेंगे फर्स्ट बार। सेकेंडरी जो कॉमर्शियल जो आपकी मोटर होंगी, अब आप भी जानते हो कोई भी अगर मोटर है तो मोटर का यूज तो क्या है कि वो मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी करे, तो इस कारण अपन क्या करते हैं जो कॉमर्शियल मोटर होती है उसके अंदर क्या होता है एक तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये जो लूप के अंदर ऐसे वायर खूब सारे लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स खूब हो जाते हैं ऐसे, ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके अंदर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ले लिए जाते हैं ऐसे फर्स्ट वे नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं। सेकेंडरी क्या करते हैं मतलब लार्ज नंबर होता है, आप जितने इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स यूज करोगे फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा हैवीली बनती चली जाएगी और रिजल्टेंट क्या होगा रोटेशन भी हायर हो जाएगा पहली बार। सेकेंडरी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आपका एक तरह से परमानेंटली यहाँ पर प्लेस्ड होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपन कहते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ये एन और एस है ये परमानेंट मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड को आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ पर हेवीली मैग्नेट आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है और सेकेंडरी अगर आप एक बात और करें कि ये अगर आपको मैग्नेट फील्ड और हेवीली चाहिए तो अपन क्या कह सकते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर है वो क्या कर सकते हैं ऑन विच द कॉइल इज वाउंडेड, कि कॉइल में आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें सॉफ्ट आयरन को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्क आपको फर्स्ट तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए डायग्राम में कौन क्या है, सेकेंडरी इसकी वर्किंग में आप ध्यान रखिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें फोर्स अप्लाई होगा तो आपकी जो इसमें फोर आर्म्स हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों पे फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है अपोजिट आर्म्स हैं जो होंगी एक दूसरे के जैसे बी सी और ए डी और आपकी ए बी और इन पे फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। फिर मैंने कहा कि आपकी जो आर्म्स बी सी और ए डी है इन पर जो फोर्स अप्लाई है वो वैल्यू में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन सेम एक्सेल पर है सेम एक्सेस पे है इसका ये कैंसिल हो जाएंगे। बट जो आर्म ए बी और सी डी है इन पर फोर्स वैल्यू में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट बट एक्सेज सेम नहीं है, इसका रिजल्ट क्या आएगा उसका रिजल्ट आएगा कि ये इसमें रोटेशन क्रिएट करेंगे, ये जब रोटेट होगी तो इसके साथ ये आपका एक्सेल जो किसके स्प्लिट रिंग के अकॉर्डिंग से कनेक्टेड तो आपका एक्सेल रोटेट होगा, एक्सेल से जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है उसको अपन एज यूज अपन यूज कर लेते हैं। ठीक है जैसे अपने वो चीज़ है यूज इसको कर सकते हैं। ठीक है तो ये थी आप अपने इलेक्ट्रिकल मोटर, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।